वो आपको एक रास्ता बताता हूँ, उसी के माध्यम से आज हम एंड भी करेंगे। एक राजा को ना किसी ने दो बाज के बच्चे दिए, बोला बाज होता है ना पंक्षी होता है, उसके बच्चे दिए। राजा ने बड़े प्यार से पाला उनको और बहुत ध्यान रखा। जब वो बड़े हुए उड़ने लगे, एक बाज तो आसमान में चला गया उड़ने के लिए, जो दूसरा था ना वो थोड़ा सा उड़े वापस उस डाली पे आके बैठ जाए, उसी डाली पे जहां से चलता था। राजा बड़ा परेशान, यार ये दोनों एक जैसे हैं, एक तो हवा में उड़ रहा है पूरा आसमान को छू रहा है, ये दूसरा उड़ ही नहीं पा रहा। उसने सभी तरह के डॉक्टर वैद्य हकीम जो भी पक्षियों के बारे में कोई जानते थे सबको बुला लिया, हजारों लोग आए लेकिन लाज नहीं हुआ। एक छोटा सा गरीब सा किसान है, बोले 5 मिनट का काम है मैं कर देता हूँ। बोले कैसे? बोले उधर देखो सारे। उन्होंने उधर देखा थोड़ी देर में, बोला ये देखो बाज। वो दोनों बाज उड़ता आसमान में चले गए। एक सेकंड से बोले यार ये कैसे कर दिया तूने? सारे धुरंधर फेल हो गए। बेला जिस डाली पे आके बैठता था ना मैंने वो डाली काट दी, और बैठेगा कहाँ पे, जगह नहीं इसके पास। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां पे आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, आप कभी बड़ा नहीं उड़ पाओगे। याद रखिएगा जो ये बैक डोर होता है ना, ये जब तक है तब तक आप बड़ा नहीं कर पाओगे। शिवाली के माध्यम से बताता हूँ, जब पता चला कि अब यहाँ तो आर्या पार है, या तो इतनी प्रॉब्लम्स थी शिवाली को मैं आपको बता नहीं सकता, उनको ये बस जस्ट यहाँ पे बैठा। कब बैठा? पहले 2 महीने सेशन में नहीं बैठे तो रिजल्ट भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा भाई या तो डाइट छोड़ दो या सेशन में आ जाओ, तब अपने प्रति सीरियस नहीं। तो वो जो डाली पे बार बार बैठ रहे थे ना कंफर्ट में, उसको तोड़ा, तब जाके लंबी उड़ारी लगी है। दोस्तों आपकी अपनी कोई ना कोई बेड़ियां हैं जो आपको जकड़े हुए हैं, वरना आप आसमान में उड़ सकते हो। उस एक डाली को तोड़ दो, खुद ही तोड़ दो, किसी दूसरे को तोड़ने का मौका मत दो। जहां आपका कंफर्ट आ रहा है बस वहीं आपका ब्लॉकेज आ रहा है। एक छोटी सी रस्सी पूरी जिंदगी बांध के रखते कि हाथी को अगर उसने यहाँ पे बिठा लिया कि मैं उसको तोड़ नहीं सकता, यही हो रहा है। बंदर को मदारी ऐसे ही पकड़ता है, जमीन में थोड़ा सा खड्डा खोदता है वहां पे डाल देता है चने, बंदर ऐसे ही हाथ डालता है मुट्ठी बंद कर लेता है, यहाँ से मुट्ठी फंस जाती है, वो बाहर निकालता है नहीं, और उसको लगता है मुझे किसी ने फंसा रखा है, बांध रखा है, पकड़ा उसी ने होता है ना, वो छोड़ता है ना ऐसे बाहर आता है। सेम वे में हमारा हाल है, हम कहते हैं समाज ने पकड़ रखा, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं होता, कोई जरूरत नहीं होती, इसने उड़ना है वो उड़ जाता है। तो अपनी डाली तोड़ो, आसमान में उड़ारी तैयार है आपके लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों इतने प्यार से सुनने के लिए, आज के लिए इतने, कल से फिर से मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना मोटापा कम करना चाहते हैं या इसे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कॉल अवश्य करें। हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट के लिए ये एक नंबर कॉल करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू सो मच।